नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल अभी तक और मैं हूं आपके साथ चिनम शर्मा। रुक करेंगे खबरों का, शुरुआत करेंगे राजधानी शिमला से। शिमला के क्षीणी गांव में आगजनी का मामला सामने आया है, जहां पर एक मकान में अचानक आग लग गई और आग के चपेट में आकर 50 घर जल गए। इस हादसे में लाखों का नुकसान हो गया। गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर सूचना मिलते ही रोहडू का पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक फायर ब्रिगेड टीम आग लगने के 2 घंटे बाद पहुंची, जिससे आग पर काबू पाने में ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आग पर काबू पा लेने से पूर्व 50 घर जल गए। वही घटना के बाद SDM रोहडू ने पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। फिलहाल प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवार वालों को राहत के तौर पर 10,000 रुपए और राशन मुहैया करवाया जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया है, लेकिन आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड यहां पर 2 घंटे देरी से पहुंचे, जिसके चलते ग्रामीणों को आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गांव के 50 घर यहां पर जलकर राख हो गए। आपको बता दें आगजनी का यहां पर मामला आया है और रोहडू प्रशासन की ओर से पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है कि किस वजह से हादसा हुआ। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर फायर ब्रिगेड थोड़ा देरी से पहुंची, 2 घंटे देरी से बताया जा रहा है। तो 2 घंटे देरी से पहुंचने के बाद ग्रामीणों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, काफी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। रोहडू पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जिसके चलते काफी दिक्कत आग बुझाने में यहां पर नजर आई। तो 50 घर जलकर यहां पर राख हो गए। साथ ही आपको बता दें लाखों के नुकसान की खबर है। फिलहाल प्रशासन की ओर से राहत राशि प्रदान करने की घोषणा कर दी गई है। साथ ही 10,000 रुपए और राशन अभी तक परिवार वालों को मुहैया करवाया जा रहा है।